तो 2 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं। कैबिनेट बैठक में 28 एजेंडे पर चर्चा की गई है और यहां आपको बताएं कि इस बैठक में बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी है। 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इस तारीख पर मुहर लग गई है और क्या बड़े फैसले कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए वो आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने निराशन विधेयक 2021 को लेकर जानकारी दी। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के 20 एक्ट निरस्त होंगे। उपयोग में ना होने वाले अधिनियम निरस्त किए जाएंगे और आदि बद्री में बनने वाले डैम को लेकर भी जानकारी दी। शाहबाद शुगर मिल में एथनॉल प्लांट को मंजूरी दे दी गई। तो कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत गरीबों को लाभ की बात कही गई। तारीख को बजट का सेशन शुरू होगा। बीएसई अगली तिथियां और अगले टाइम पीरियड उसका कितना होगा वो तय करेंगे। उस समय आप और हम फिर मिलेंगे। और आचार्य को एमए के बराबर माना है तो ये सैद्धांतिक सहमति पहले हो गई थी। आज इसको कैबिनेट में रख करके इसको हमने फाइनल किया है। तो संस्कृत के वो जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री हैं उनको कठिनाई आ रही थी संस्कृत के भर्तियों में और प्रमोशन में। अब ये रास्ता उनका सब खुल गया कि उनको भर्तियों में भी प्रमोशन में भी शिक्षा शास्त्रियों को और आचार्यों को बराबर की एक सुविधा दे दी गई है। वो अपनी जो सिपरेट बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें कई बार कितनी बनी कितनी नहीं बनी और कई प्रकार की उसमें जो गड़बड़े होने की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए उनकी जो निर्माण यानी जो सेपरेट का निर्माण है वो जो द्रव्यमान प्रवाह जो है उस पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। फ्लो मीटर लगने के बाद किस फैक्ट्री में कितना उन्होंने तरल पदार्थ वहाँ से पास किया है उसकी अकाउंटिंग वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। अर्थात किसी प्रकार की जो चोरी की, गड़बड़ की, इलीगल शराब बेचने की जो संभावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रावधान उसके लिए किया है। में केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे पुराने कानून हैं जिनकी आज उपयोगिता नहीं है। वर्षों वर्ष से पुराने एक्ट बने हुए हैं लेकिन कभी भी किसी सरकार ने आकर के उनको निरस्त नहीं किया। तो ऐसा लॉ कमीशन के यानी संतुति पर हमने भी यहाँ हरियाणा में जो बहुत पुराने पुराने एक्ट थे ऐसे एक्ट्स में से 20 एक्ट को रिपील करने का निर्णय किया है। इसका बिल ये विधानसभा में आएगा। तो 20 जो एक्ट हैं सामान्यतया भूमि से जुड़े हुए कुछ पुराने पंजाब के समय के अधिनियम हैं। पंजाब जिला बोर्ड कर सत्यापन अधिनियम 1927 का है। पंजाब कर्ज माफी अधिनियम 1934 का है। कॉपिंग फीस अधिनियम 1936 का है। रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्गेज लैंड्स एक्ट 1938 का है। पंजाब जागीर अधिनियम 1941 का है। तो ऐसे बहुत से नियम हैं जो उस समय के पुराने पुराने देश की आज़ादी से पहले के बने हुए आज इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। तो लॉ कमीशन की सिफारिश पर उनको समाप्त करने का ये निर्णय लिया है। पिछले दिनों में पंचकुला में किया था लेकिन जो आदि बद्री स्थान के ऊपर जलाशय बनने वाला है और हिमाचल सरकार की उनके मुख्यमंत्री के साथ हमारा एक समझौता जो हुआ है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं उसकी पुष्टि भी आज मंत्रिमंडल ने कर दी है। फिर एक कानून बहुत समय से पेंडिंग था उसका विधेयक भी इस बार हम लेकर के आ रहे हैं। उस भी विधानसभा की जो मंजूरी हुई है हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है उसका भी प्रावधान है लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और
विधानसभा में लाया जा रहा है। इसमें सजा भी जरूर होगा, सजा भी होगा, जुर्माना भी होगा। इसमें एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने शुरू की है और उसको विधिवत रूप से इस बार अब कैबिनेट में हमने पास कराया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्कीमें और उनका जो प्रीमियम है, गरीब आदमी अपने पास से दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता, ऐसे सब प्रीमियम उसके हरियाणा सरकार वहन करेगी। विशेष तौर पर 5 योजनाओं को चिन्हित किया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, 5 योजनाएं ऐसी हैं जिनका प्रीमियम कुछ तो इसमें केंद्र सरकार देती है पहले से, लेकिन बाकी जो बेनिफिशियरी को स्वयं अपने पास से देना होता है, वो जो स्वयं देना होता है वो भी हरियाणा सरकार ने ऑफर किया कि इनके सबके प्रीमियम हरियाणा सरकार देगी। पहले लोग दान में भी दे देते थे कि हमारी जमीन है, इस पर आप सड़क बना दो, इस जमीन के ऊपर आप स्कूल बना दो, लेकिन समय बदलने के बाद, जमीनों की कीमत महंगी होने के बाद, वो पीढ़ी तो चली गई जो दान के कर गई, अगली पीढ़ी आ के कहती है कि ये तो हमारे नाम चल रही है कागजों में, क्योंकि वो कागज बदलते नहीं थे, दान कर देते थे भी बना दो गांव का स्कूल बना दो, अब वो आके क्लेम करने लग गए और उसके कोई डाटा रिकॉर्ड सरकार के पास भी नहीं है कि वो दान दी गई थी। लेकिन नियम बनाया हमने, कानून लागू कर रहे हैं इसको, कि जो ऐसी सुविधाएं 20 साल पहले बनी हैं वो किसी के रिकॉर्ड में है चाहे नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक सुविधा बन गई है वो स्थायी रूप से उसी के नाम वो जमीन जाएगी, उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर पाएगा 20 साल पहले का, यानी आज अगर 2022 है तो 2002 से पहले कोई चीज बन गई है उसको ना वो तोड़ सकता है, ना वो हटा सकता है, ना कोर्ट में क्लेम कर सकता है, वो सरकार की है या जिस डिपार्टमेंट को, जिस विभाग को सुविधा बना करके उन्होंने दी है वो उसकी है। तो ये एक कानून में एक प्रावधान किया है। तो हमारे यहाँ लगातार 2014-15 के बाद हम पेंशन बढ़ा रहे हैं, 14-15 में 1000 थी, 15-16 में अगले साल 1200 की, फिर हमने 1400 की, 1600 की, 1800 की, 2000 की, 2250 की, 2500 की। तो इस नाते से ये लगातार जो बढ़ रही है इसमें दुरुपयोग ना हो, जिस जो पात्र है उसको मिले ये हम भी चाहेंगे। अभी परिवार पहचान पत्र में सर्वे करने के बाद ध्यान में आया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो 60 वर्ष की आयु पार कर गए हैं, आय भी उनकी कम है, फिर भी वो नहीं बनवा पाए हैं अपनी पेंशन, तो उनकी अभी ऑटोमेटिकली पेंशन बनाने का रास्ता साफ कर दिया कि जिसकी आय 1 लाख यानी 2 लाख से कम है पति पत्नी की और आयु 60 वर्ष हो गई है, जिस दिन 60 वर्ष हो जाएगी उसी दिन कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको जो उनकी पेंशन बन करके उनके खातों में चली जाएगी। तो बहुत सी कंप्लायंसेस हम खत्म कर रहे हैं लोगों को सहूलत देने के लिए, ताकि लोग जो भटकते फिरते हैं इधर उधर, जो कठिनाई आज तक हमने महसूस की है उन सबको दूर करेंगे। मोटे रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट मान गए हुए हैं, बड़े बड़े वर्ग जो हैं जिनसे, क्योंकि उनका एक एतराज था कि 50,000 रुपए की जो सीमा है उसमें सेमी स्किल्ड स्किल्ड लोग भी आ जाते हैं, तो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड की कंडीशन ना रखी जाए, क्योंकि हमें जहां से अच्छे मिलेंगे क्वालिफाइड मिलेंगे वहीं से हम लेकर के आएंगे। हमने उनकी बात मान करके उसको राशि, उस लिमिट को 30,000 कर दिया कि 30,000 रुपए तक की सैलरी लेने वाले वो कोई स्किल्ड ऐसे बड़े लोग नहीं होते हैं, आईटी के लोगों का खास करके एक कहना था कि आईटी के उस प्रकार के लोग शायद हमको हरियाणा से नहीं मिलेंगे, उनकी बात मान ली है। अब तो केवल जो क्लास यानी अंग्रेजी में यानी सरकारी जिसको ग्रुप डी और सी कहते हैं उसी लेवल तक के लोग ही इसके अंदर आएंगे और इसमें बहुत लोगों को एतराज नहीं है। फिर भी कई बार कुछ लोगों का एतराज होता है, कोर्ट में उन्होंने दर्जा खटखटाया, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, अब हाईकोर्ट ने भी कोई निर्णय नहीं दिया है लागू करना है कि नहीं करना है, स्टे का मतलब है कि फिलहाल रोक दो। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए समय दिया है, 11 तारीख उसकी सुनवाई है और 11 तारीख को हम तो आशा करते हैं कि इसका रास्ता खुल जाएगा।